हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो डेली क्रिप्टो हिंदी शो में हम कवर करते हैं। कल का पहला एक एपिसोड था जो मिस हो गया हम लोगों से, बट कोई नहीं, अभी से हम रेगुलर रहेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल कर पाऊँ, बियॉन्ड मेरी जितनी ह्यूमन लिमिट है उससे भी मैं करने की कोशिश करता हूँ और मैं रेगुलर आपको न्यूज़ ला के देता रहूँ क्रिप्टो से रिलेटेड। पहली न्यूज़ जो हम है वो डिस्कस करेंगे, एंड पूरी न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे फिलहाल तो, लेकिन जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगी। ठीक, अब बात करते हैं, इंडिया गेट्स बिटकॉइन रिवॉर्ड्स कार्ड्स विद बैकिंग फ्रॉम क्रिप्टो एवर्स सेंट्रल बैंक। देखिए हुआ क्या है, गो सैट्स नाम की एक इंडियन बिटकॉइन रिवॉर्ड ऐप है जो कैशबैक मैकेनिज्म स्टार्ट कर रही है, कैशबैक प्रोग्राम जो आपको इंडियन को 100% ऑफ द स्पेंडिंग इन बिटकॉइन एंड प्रोवाइड अ चांस टू विन वन फुल बिटकॉइन ऑन एवरी स्पेंड गो सैट। मतलब एक तरह का कैंपेन स्टार्ट किया जिसमें एक बिटकॉइन जीतने का मौका मिल सकता है अगर आप बिटकॉइन में पेमेंट करने की सोचेंगे। तो क्या होगा, गोसेट्स प्रीपेड रुपे डेबिट कार्ड्स विल बी रिलीज्ड इन टू वेरिएंट्स, अ प्रीमियम गोल्ड कार्ड एंड एन इंट्रो कार्ड। बोथ कार्ड्स ऑफर अ चांस टू विन वन बिटकॉइन वर्थ अराउंड $47,000 ऑफ पब्लिशिंग एवरी टाइम द कार्ड इज यूज्ड टू बाय समथिंग। द इंट्रो कार्ड ऑफर्स अप टू 25% बिटकॉइन कैशबैक वाइल द गोल्ड कार्ड ऑफर्स 100% बिटकॉइन कैशबैक्स। मतलब आपको दो कार्ड दिए जाएंगे, अगर आप गोल्ड कार्ड खरीदते हो तो आपको 100% बिटकॉइन के कैशबैक मिल जाएंगे, बिटकॉइन में बिटकॉइन आपके पास आ जाएगा। अगर आप ये इंट्रो कार्ड खरीदते हो तो आपको 25% बिटकॉइन का कैशबैक मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के सेंट्रल अथॉरिटी बैंक एसोसिएशन हैंडल करती है, उसके साथ मिलकर इन्होंने निकाला है। तो ये पूरी तरह से रेगुलर है और ये सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर हुआ है, उनकी परमिशन से हो रहा है। तो एक तरह से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इसको मान्यता मिल गई है इस ऐप को और ये चल रही है पूरी तरह से। तो बिटकॉइन में रिवॉर्ड्स देने की बात हो रही है, ये इंडिया के लिए एक अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट की एक न्यूज़ आई है कि माइक्रोसॉफ्ट वांट्स टू यूज़ इथेरियम ब्लॉकचेन टू फाइट प्राइवेसी। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी कुछ दिन पहले भी बोला था कि वो उन्हें ब्लॉकचेन बहुत पसंद है और आने वाले समय में जो है वो ब्लॉकचेन का वो इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि वो लोगों की प्राइवेसी का ध्यान दे सके। विंडोज़ हो गया, चाहे वो उनका खुद के पीसीज वगैरह हुए, तो उनकी प्राइवेसी वगैरह को वो कैसे बेहतरीन कर सकते हैं उसके लिए वो इथेरियम का देखना चाहते हैं, इथेरियम का क्या यूज़ है, किस तरह से इथेरियम आगे जा सकता है। डोजी कॉइन की 24 घंटे में ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो $8 बिलियन तक पहुंच गई, ऑलमोस्ट डबल देन कार्डानो। कार्डानो की जब ट्रेडिंग वॉल्यूम हुई थी, कार्डानो की स्पाइक पे थी, उससे डबल पहुंच गई डोज कॉइन की। और डोज कॉइन में इंटरेस्ट हाल फिलहाल इसलिए बढ़ा है क्योंकि एक न्यूज़ आई है, इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल क्लब वॉटफोर्ड FC प्लेयर ने पहनेंगे डोज कॉइन का लोगो अपनी जर्सी पे। तो इस तरह से डोज कॉइन का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा उनकी कम्युनिटी को और आगे चल के डोज कॉइन को मतलब प्रॉफिट हो जा रहा है, ठीक है, डोज कॉइन के जो होल्डर्स हैं। अब डोज कॉइन देखिए, नॉर्मली क्या होता था कि बियरिश मार्केट में डोज कॉइन को कोई नहीं याद करता, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा बुलिश होने शुरू करी, नहीं कि यहाँ पर लोगों ने स्पेकुलेशन लगाने शुरू कर दिए, शिट कॉइंस को प्रमोट करना शुरू कर दिया। आपको पता है कि अमीर बनने का मौका यही होता है कि आप जो बियरिश मार्केट होती है उसमें खूब सारे शिट कॉइंस को भी और बाकी सबको इकट्ठा कर लो और सारे कॉइंस को इकट्ठा कर लो और फिर बाद में अच्छी खासी न्यूज़ फैलाओ उसके लिए कर, ठीक। अब मैं अगर आपको बात करूँ तो वॉलमार्ट जो है वो ढूंढ रहा है, वो भी अमेज़ॉन की तरह, एक ऐसे बंदे को, एक ऐसे लीड को जो क्रिप्टो प्रोडक्ट उनका लॉन्च करे। आ गया, अभी ये नहीं बात हुई कि क्रिप्टो प्रोडक्ट क्या हो सकता है और किससे रिलेटेड होगा, बट ये एक बड़ी बात है क्योंकि गाइस आने वाले टाइम में ये अच्छा खासा जो है यहाँ पर ला रहा है, क्योंकि अमेज़ॉन भी क्रिप्टो से रिलेटेड एक बंदे को ढूंढ रहे थे हायर करने के लिए और यहाँ पर इन्होंने भी निकाला है वॉलमार्ट, जो कि अमेज़ॉन का एक तरह से दुश्मन तो नहीं कह सकते बट राइवल है एक छोटा मोटा बिजनेस का, तो वो वहाँ पर इन दोनों की चलती रहती है, तो वॉलमार्ट भी ढूंढ रहा है। अच्छा, बात करें आप वियतनाम को लेकर, वियतनाम का एक आया है डेटा जिसमें सर्वे में दिखाया गया क्रिप्टो अडॉप्शन सबसे ज़्यादा जो है वो 27 कंट्रीज़ का लिया गया और 27 कंट्रीज़ में वियतनाम सबसे आगे है। लोग कह रहे हैं रेमिटेंस पेमेंट में यूज़ कर रहे हैं और बाकी चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोगों इन्वेस्ट किया है वहाँ की जनता ने और ये एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। फाइंडर सर्वे हुआ था 42,000 लोगों का और 27 कंट्री के लोग थे। वियतनाम हैड द हाईएस्ट अडॉप्शन रेट जिसमें 41% जो रिस्पॉन्डेंट्स थे वियतनाम से होने वाले जितने भी लोग थे 41%, तो उन लोग वो लोग बिटकॉइन में या फिर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बड़ी न्यूज़ है गाइस। तो वियतनाम बहुत आगे चल रहा है क्रिप्टो अडॉप्शन में, ये एक बड़ी बात थी।
इथेरियम 2.0 के लिए स्टेकिंग करवा के रखी है। जैसे बहुत से लोगों ने मुझे पता है आप लोगों को बताया था कि इथेरियम 2.0 के लिए स्टेक कराओगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, कुछ कुछ इथेरियम बढ़ जाएंगे वगैरह वगैरह। तो उसमें जो टोटलिंग जो वैल्यू हो गई है इथेरियम के स्टेक्ड वो 21.7 बिलियन के ऊपर हो गई है। अभी 7 मिलियन एथ जो कि नंबर में अगर बताऊँ कितने इथेरियम लॉक हैं, वो 7 मिलियन इथेरियम लॉक हो गए हैं आपके 2.0 के लिए। तो ये एक बड़ी बात है। और 2.0 कब आने वाला है, नवंबर दिसंबर तक आएगा। तो मैंने आपको बताया इथेरियम का बहुत बड़ा वहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर पंप आने वाला है, ठीक है, आने वाले समय। टाइम मैगजीन एंड कूल कैट्स टू गिव अवे NFTs फॉर ग्रेट मीम्स। तो मतलब ग्रेट मीम्स अगर आप बनाओगे तो आपको NFTs मिल सकती हैं। ये टाइम मैगजीन ने किया है तो बड़ी बात है। टाइम मैगजीन आपको पता है कितनी बड़ी मैगजीन है और वो NFT का गिव अवे कर रही है आगे आकर, तो एक बड़ी बात होगी ही, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। कोरियन इंटरनेट जायंट काकाओ एक्सपेंड्स ब्लॉकचेन प्रेजेंस टू सिंगापुर। आपको पता है कि जो उनका क्लेटन ब्लॉकचेन है, क्लेटन को ये लोग देखिए, सिंगापुर इज रिपोर्टली द नेक्स्ट पार्ट ऑफ काकाओ। काकाओ एक ग्लोबल एजेंडा है, ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसकी खुद की ब्लॉकचेन है क्लेटन करके। तो क्लेटन का भी मैं आगे चल के एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊं क्लेटन क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए क्लेटन को ये सिंगापुर में बढ़ा रहा है अपना, ठीक। तो सिंगापुर में आपको पता होगा कि कुछ कुछ चीज़ें अभी मुश्किल चल रही सिंगापुर में ब्लॉकचेन को लेकर, तो उसी को लेकर आप देखोगे ये पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है क्लेटन को लेकर, ठीक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो लास्ट न्यूज़ थी क्या थी, वो ये वाली थी। लेजर ने इंटीग्रेट कर लिया है किसके साथ, इथेरियम की स्टेकिंग ऑप्शन के लिए इंटीग्रेट किया है। एंड किसके साथ किया ये देख लेते हैं इस न्यूज़ में हम लोग। लेजर अनाउंस सपोर्ट फॉर ईथर स्टेकिंग यूजिंग लीडो फाइनेंस। लीडो फाइनेंस का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी और आसानी से इथेरियम को स्टेक करा सकते हो, और ताकि आपको इथेरियम 2 नेटवर्क के आप वैलिडेटर बन जाओ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इथेरियम जो है काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होने वाला है दिसंबर आने तक। एंड मैं तो इथेरियम को होल्ड कर रहा हूँ, आप लोगों से भी मैं सजेस्ट यही करूँगा अगर कोई मुझसे पूछेगा तो। इथेरियम को बहुत से लोग सोचते हैं कि कम रिटर्न देगा, बट इथेरियम एक पॉसिबल रिटर्न देता है, गारंटी रिटर्न देता है। ऐसे क्रिप्टो में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे नहीं कि शिट कॉइंस में आप चलेगा किसी ने बोल दिया और आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो गाइस ये था आज का हमारा एपिसोड, आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा प्लीज वीडियो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।